हमें याद है जब प्रदीप जी सागर नगर निगम के महापौर थे और मैं उनकी MIC का सदस्य था, तब हम सब लोगों ने सागर से ये माल गोदाम शिफ्ट हो इसके लिए आंदोलन किया। आज हम सब बहुत खुश हैं कि जिसके हम सब लोग लंबे समय से प्रतीक्षा भी कर रहे थे और इसके लिए हम सब लोग लंबे समय से मांग भी करते थे। हमें याद है जब प्रदीप जी सागर नगर निगम के महापौर थे और मैं उनकी MIC का सदस्य था, तब हम सब लोगों ने सागर से ये माल गोदाम शिफ्ट हो इसके लिए आंदोलन किया। आज हमें खुशी है कि जिस जगह पर माल गोदाम आज शिफ्ट हो रही है वहाँ पर प्रदीप लाल यादव विधायक जी के रूप में मौजूद हैं और मैं जनप्रतिनिधि में सांसद के रूप में यहाँ पर मौजूद हूँ। ये एक लंबे समय की सागर के लोग मांग करते थे, क्योंकि जब माल गोदाम सागर में स्थापित हुई उस समय ट्रैफिक की इतनी कोई बड़ी समस्या सागर में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सागर में संख्या बढ़ी, ट्रैफिक का दबाव बढ़ा और फिर कई ऐसे एक्सीडेंट भी हुए जिसके कारण लोगों में आक्रोश था। जब भी रेलवे का रैक लगता था तो पूरा सागर का जो शहर का आवागमन है वो भी बिगड़ता था।